गंभीर ने बताई वो कमी जिससे भारत हार सकता है 2019 का वर्ल्ड कप। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और हर कोई वर्ल्ड कप पे अपनी टिप्पणी दे रहा है। वही टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने कहा है कि उन्हें वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम में एक और खालिस देश गेंदबाज की कमी खल रही है। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद राजनीति में आए गंभीर ने यह बात सीएट क्रिकेट रेटिंग इंटरनेशनल अवार्ड कार्यक्रम के दौरान बातचीत में कही। वर्ष 2011 में धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप चैंपियन बनी भारतीय टीम के सदस्य रहे गौतम गंभीर ने कहा, मुझे लगता है कि टीम में एक स्तरीय तेज गेंदबाज की कमी है। गौतम का मानना है कि टीम में खलील अहमद या किसी और तेज गेंदबाज को जगह मिल सकती थी। ऐसे में गंभीर ने सिर्फ टीम सिलेक्शन की आलोचना करी। गंभीर ने भारतीय तेज गेंदबाज आक्रमण की प्रशंसा की। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बुमराह, शमी और भुवनेश्वर की ओर सपोर्ट की जरूरत है। आप कह सकते हैं कि भारत के पास पांडे और विजय शंकर के रूप में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। वर्ल्ड कप में किन टीमों पर नजर रहेगी, इसके जवाब में गंभीर ने भारतीय टीम के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का नाम लिया। हर किसी का मानना है कि वर्ल्ड कप में इंग्लैंड सबसे बड़ी दावेदार है। गंभीर ने और टीमों की तारीफ करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम गेंदबाजी आक्रम बेहतरीन है। इसके अलावा न्यूजीलैंड और मेजबान इंग्लैंड की टीम के मैच पर भी नजर होगी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2019 में गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। इस सीट पर वोटिंग 12 मई को हो चुकी है और 23 मई को आने वाले नतीजों से गंभीर की सियासी भविष्य का फैसला होगा। उम्मीद करेंगे कि क्रिकेट जैसे पॉलिटिक्स में भी गंभीर धूम मचाए और लंबी पारी खेले। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।